देखिए मथुरा विधानसभा का हाल अभी तक आपने जाना और लोगों की राय भी जानी। कहीं लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने चाहिए, कहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होनी चाहिए, जबकि लोगों का मानना ये भी है कि प्रियंका गांधी भी मुख्यमंत्री होनी चाहिए। तो जिस तरीके से लोगों की राय है उसको ये देख करके लगता है कि अभी तक जो लोगों की राय चुनाव को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर है वो अभी स्थिर नहीं है, और अब देखना होगा कि लोगों की जो सोच के हिसाब से मुख्यमंत्री अगला कौन होगा ये लोगों के वोटों के ऊपर निर्धारित करेगा। मथुरा से मदन साराश्वत, पंजाब केसरी टीवी। रोल जी बताएं, इस बार का चुनाव किस तरीके का रहेगा? और जबकि देखा जा रहा है अभी तक कोई भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो क्या माना जा रहा है मथुरा वृंदावन में किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिस प्रकार से 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने वाला है, उसमें सबसे बड़ा राज्य 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में इस बार जो सरकार समस्त उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, वो चाहती है ऐसी सरकार आए जो सभी का विकास करे तथा धर्म और संस्कृति को लेकर के चलने का कार्य करे। वृंदावन और मथुरा के जिस प्रकार से मुद्दे हैं, वो वर्तमान मुद्दों को अगर हम देखते हैं तो प्रथम मुद्दा है यमुना की शुद्धिकरण का। यमुना जी के बारे में बोलते सभी हैं, और यह लगभग 2000 से सभी पार्टियों के मुद्दे में रहता है, परंतु आज तक भी यमुना विकास से अथवा प्रदूषण मुक्ति से अछूती रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी पार्टियों से कहना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में आप यमुना प्रदूषण मुक्ति के मुद्दे को जरूर अपने कार्यक्रम में रखें, और जो यमुना की शुद्धि करेगा ब्रजवासी बिल्कुल निष्काम भाव से उसी पार्टी का साथ देगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से अयोध्या का विकास, वाराणसी का विकास हुआ है, उस प्रकार से समस्त ब्रजवासियों की कामना है कि हमारा जो प्रत्याशी हो वह मथुरा के पूरे ब्रजमंडल का विकास हो तथा मथुरा 84 कोस पूरे ब्रजमंडल को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पूरे ब्रजमंडल में जिस प्रकार से एक अभी भी विकास की बहुत आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाओं की भी बहुत आवश्यकता है, उसको प्रत्येक पार्टी को अपने ध्यान में रख करके यहाँ के प्रत्याशी को घोषित करना चाहिए। अभी अभी आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी मंदिर मुद्दे को लेकर के, उस पर भी आप लोगों का कहना था, तो क्या चाहते हैं कि सरकार ये मंदिर वाले मुद्दे को खत्म कर पाएगी? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये वास्तविकता थी कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, परंतु बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने समय पर निर्णय देकर के और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को बनाने का एक मार्ग प्रशस्त किया और मंदिर का निर्माण हो रहा है। मथुरा में भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, वो जो जगह है, मदन मोहन मालवीय जी ने 13.37 एकड़ जमीन खरीद करके वह जो ट्रस्ट बना हुआ है कृष्ण जन्मभूमि न्यास, उसको समर्पित की हुई थी। यह जो आप मस्जिद का निर्माण देख रहे हो उसी भूमि पर है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप समन्वय बना करके बैठ करके सहमति के साथ उस स्थान को छोड़ दें जहाँ पर भगवान कृष्ण हमारे परमाराध्य ने अवतार ग्रहण किया, वहाँ पर विराट मंदिर बनना चाहिए। और सभी पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यह समस्त हिंदुओं की भावना है, केवल एक व्यक्ति की नहीं, केवल ब्रजवासियों की नहीं, पूरे विश्व में जो लगभग 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं उन सभी की ये भावना है कि भगवान कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। इस बार मुख्यमंत्री योगी या कोई और? अभी जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुए हैं, तो समस्त हिंदुओं की भावना तो है कि हमारे योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने, परंतु
मैं आपके माध्यम से एक आग्रह और करना चाहता हूं। पार्टियों को अब एक चीज का और ध्यान देना चाहिए, आने वाली पंचवर्षीय में कोई भी मंदिर अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी शाइन बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। जो इस मुद्दे को अपने चुनाव में लेकर के और 5 साल तक के लिए प्रतिज्ञा लेकर के काम करेगा, समस्त हिंदू, पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू उसी का समर्थन करेंगे। ठीक, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, और कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए भैया? बीजेपी सरकार होनी चाहिए, योगी जी जैसे होने चाहिए। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं दोबारा? योगी जी। कारण? कारण ये भैया, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा रखा है। जो काम कांग्रेस सरकार ने नहीं कराया वो इस बीजेपी सरकार ने करा दिया। सड़कें अच्छी करवा दी, सब जगह काम चल रहा है, ठीक है, लाइट सप्लाई अच्छी है बहुत ज़्यादा पहले से, ये बात है भैया। कारण इसलिए क्या चाहेंगे? बीजेपी को ही वोट देना चाहेंगे हम तो भैया। 2022 का चुनाव है, इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कैसा मुख्यमंत्री चाहेंगे? क्या मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री अच्छे ही है, और क्या, बढ़िया है। नरेंद्र मोदी होने चाहिए, वही आएंगे, और क्या, वही है और वही आएंगे। अच्छा काम किया है उन्होंने। क्या नाम है? सराफत। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए और कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये वो, हम काम धंधे से परेशान हैं, हमको खाली महंगाई कम चाहिए और रोजगार चाहिए। हमको सरकार होनी चाहिए जो परेशानी ना हो गए उसके लिए। कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री अखिलेश होना चाहिए। सरकार मोदी ने इस तरह का हाल कर रखा। एक मिनट मजदूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु दत्त। विष्णु जी बताएं, इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए और कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? किसानों के प्रधानमंत्री ऐसे चुनिए जैसे चौधरी चरण सिंह, जो किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का फायदा करें। मोदी सरकार जो 300 रुपये उसमें खाते में डाले, थैला रखा हुआ। 2022 चुनाव को लेकर के तैयार है मैदान और अखाड़ा पूरी तरीके से। जिस तरीके से पार्टियों की अगर बात करें तो पार्टियां सभी अपनी तैयारियों में लग चुकी है और प्रत्याशी भी लगभग घोषित होते चले जा रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं मथुरा वृंदावन की विधानसभा, जहाँ पर लोगों का रुझान क्या है और कैसी होनी चाहिए सरकार, उसके बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके की सरकार और जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम कुरैशी। जी बताएं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए और कैसा मुख्यमंत्री होना? बढ़िया होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम ना ही होना चाहिए। मथुरा नगरी ऐसी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहता है, कोई दंगा। जब से भाजपा महंगाई पर बात, महंगाई है, बिजली महंगी है, और हर चीज़ लूट हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, सिलेंडर महंगा बेचा जा रहा है, जब 400 का आता है अब 1000 का बेचा जा रहा है। सब चीज़ें, लोगों की समस्या हल नहीं हो पा रही इन भाजपा पे। तो किस तरीके का मुख्यमंत्री होना? हमारा समाज पार्टी अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री देंगे और रोजगार देंगे, जी सरकार चाहते हैं हम। चलिए, मेरा भी आपसे मना करा था। बोल दे। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। क्या नाम है आपका? शकील खान। किस तरीके का चुनाव होना चाहिए और कैसा चुनाव? सही होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी सही होना चाहिए, जिसमें देशभक्ति ज़्यादा हो और हिंदू मुसलमान का पत्र ज़्यादा ना हो। महंगाई अपनी जगह, महंगाई तो दिन पर दिन बढ़नी है, सरकार चाहे कोई सी भी आए। हैं योगी या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी? अखिलेश यादव भी आने चाहिए। कारण? बदलाव जो हिंदू मुसलमान है ये नहीं होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा ये है, पब्लिक का जो भी उदान है, उदान तो चाहती है पब्लिक, पर महंगाई के अलावा हिंदू मुसलमान जो इसने कर रखा है वो नहीं होना चाहिए। इस बार की बात करें तो मथुरा में शाही मस्जिद और मंदिर को लेकर के ये विवाद चल रहा है और उसी पे सरकार है। जब से ये बीजेपी आई है, जब से ये मुद्दा उठा, नहीं तो ये मुद्दे नहीं था। बताइए आप, क्या माना जाएगा जिस तरीके से जब जब बीजेपी आएगी, उनका जो नारा है तो लिया है अयोध्या काफी, उसके बाद मथुरा, तो ये क्या माना जाए? ये तो गलत है उनका मानना, ये वो जिंदगी में नहीं ले सकते, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत लगा लें। क्या नाम है? मोहम्मद आयत। किस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए और चुनाव कैसे होना चाहिए और क्या मानते हैं आप? चुनाव तो यह चाहते कि बिल्कुल शांतिपूर्वक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री चाहते हैं।
अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने पर नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? कारण? कोई कारण नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप समाजवादी तो अखिलेश यादव हम तो बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। क्या नाम? मोहम्मद रईस कुरैशी। मोहम्मद, बताएं आप जो इस बार चुनाव हो किसको मुख्यमंत्री देखना था? अखिलेश यादव। कारण? हाँ जी, कारण कारण यही है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार डोल रहे हैं, मथुरा में गोशबंदी हो गई है, यहाँ के बाहर के गोश ला के बेच रहे हैं तो भी बेचने नहीं दे रही है पुलिस, और जिसमें कि बहुत समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, और आए दिन 10 बजे बाजार बंद कराए दे रहे हैं। ये तो बस्ती है, इस बस्ती को भी 9 बजे से टारगेट कर देती है पुलिस। इसमें सोचे सरकार कुछ करे और हमारे बारे में भी सोचे, चूँकि मुस्लिम को ज़्यादा टारगेट बना रहे। तो आपको मानना यह है कि मुस्लिम समुदाय की, देखिए ये तो सब जब भारत में रह रहे हैं तो सब एक समान देखना चाहिए, ये नहीं है कि आप सबको एक नज़र देखोगे, भाई सबका मान सम्मान धरना चाहिए। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और ये तो बड़े क्या बोलते हैं जन्म स्थान है, यहाँ तो सारे लोग रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम नवेद है। नवेद, बताएं जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है किस तरीके का चुनाव होना चाहिए और हमारा मुख्यमंत्री किस कौन होना चाहिए? देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो शिक्षा रोजगार पर बात करें, ये मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये नए नए सरकार निकाल रही है, राशन मिलेगा या ये मिलेगा चना मिलेगा, ये मतलब जनता का जो इस सब को भला नहीं होने वाला। सरकार रोजगार पर बात करे जो मतलब जनता के लिए जो फ़ायदेमंद होगा, शिक्षा की बात करे, शिक्षा नहीं है, धंधा नहीं है आदमियों का, मतलब इस तरीके की राजनीति करे सरकार वही बेहतर है। फिर भी हम तो जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? अभी योगी जी हैं फिलहाल में, जनता का रुख सपा की तो और अखिलेश यादव को चाहती है जनता ज़्यादातर। फकीर कुरैशी बताएं इस बार किस तरीके की सरकार होनी चाहिए और कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? बढ़िया सरकार होनी चाहिए, बढ़िया आदमी होनी चाहिए मुख्यमंत्री, जो सबका सबका साथ सबका विकास हो। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या नाम है तुम्हारा? बल्लू कुरैशी। बताएं किस तरीके की सरकार चाहिए इस बार और जो बदलाव कर सके और कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? अखिलेश यादव होना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है पंटू। बताएं सरकार होनी चाहिए और कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? सरकार आनी चाहिए, लाइक करम दो अखिलेश किया, ये रोजगार बंदे बढ़ोगे, रोजगार से इंसान बैठोगे, रोजगार खुले हम है, ये रोजगार से बीन भाई बैठोगी है, ये रोजगार से ये बेरोजगार हो गए, कम से कम 1 लाख आदमी बेरोजगार बैठा हुआ, कम से कम बेरोजगार को खुले हम है, ये खुले हमें बैठोगे काम धंधे से। मुख्यमंत्री अखिलेश आप अल्लाह के करम दो, अखिलेश की सरकार आवे, आप जनता बहुत परेशान है। आप अशरफ, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं और कौन मुख्यमंत्री चाहते हैं? अखिलेश यादव। कारण? कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव यार समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी, सॉरी। कारण? नहीं, बीजेपी ने कारोबार भी सारे खत्म करा दिए, हमारे कारोबार नहीं चल पा रहे हैं और बहुत सी आगे ऐसी दिक्कतें गरीबों के लिए, बहुत परेशानी उठ रही है उनके लिए, तो ये अखिलेश सरकार आए और कुछ संविधान हो गए गरीबों के लिए। मथुरा चल रहा है उस पर क्या? ये गलत है, मस्जिद और ये इस पर जो राजनीति करी जा रही है ये गलत है। लड़ना है तो आखिर सरकार को लड़ना है तो और मुद्दे भी तो हैं, इसकी इस मुद्दों को क्यों लगा रही है, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को क्यों लेकर आ रही है इसमें? आपका कहना क्या है कि अगली सरकार अखिलेश की आनी चाहिए? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।